वैसे ही मुझे मैयत वाले घरों से डर लगता है। तुमने तो मेरे ही घर को मैयत खाना बना दिया, और ये ड्रामेबाजी फैलाई है तुमने यहाँ पे। सुन शाहिना, मैंने सुना है कि जब कोई परेशान मरता है ना, तो उसकी रूह घर में ही रह जाती है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? बस इसी की कमी थी। अपनी महरूमियों की सजा उस बिचारी को मत दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। बहुत चाहती हूँ तुम। शुक्र है जफर ने अम्मी की न्याज दिलाने की इजाजत दे दी। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इस घर में ऐसा कुछ होगा। ये तुम्हारे बाप का घर है जो इस तरह से पैसा लुटा रही हो? ये जो नजर न्याज करनी है ना, अपने भाई के घर पे जाके करो। मेरे घर में नौसत क्यों फैला रखी है तुमने? वैसे ही मुझे मैयत वाले घरों से डर लगता है। तुमने तो मेरे ही घर को मैयत खाना बना दिया, और ये तुमने यहाँ पे। शमशेर भाई, अली बहुत मुसीबत में है, उसे आपकी मदद की जरूरत है। भाभी सब खैरियत तो है ना? अली कहाँ है? आपको नहीं पता? अली जेल में बंद है। जेल में? शमशेर भाई, मैंने आपको बहुत कॉल्स किए हैं, पर आप मेरा फोन उठा ही नहीं रहे थे। अरे वो भाभी, मेरा मोबाइल फोन छीन गया था, तो इसीलिए किसी से रब्ता नहीं हो सका। एक मिनट, आप मेरा ये नंबर रख लें, इस पर मुझे रब्ता कर लीजिएगा। आप किसी भी तरह से करके अली को जेल से छुड़ा दें, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अली का बहुत बुरा हाल है। भाभी आप परेशान मत, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं अली को जेल से निकलवा लूंगा। बस आप बेफिक्र हो जाओ। कई एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी तुम शेख। चल। मैं भूलने दूंगा तो तुम भूलोगी ना? ये लो, मैं मौलवी साहब से तुम्हारे लिए तावीज बनवा कर लाई हूँ, संभाल ले। राबिया, ये तुमने अच्छा काम किया। तुम्हें पता है, मैंने उन्हें सब बताया कि तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। उन्होंने उसी वक्त हिसाब लगा लिया, और पता है क्या बोले? क्या क्या बोले मौलवी साहब, बता ना। अरे ऐसे ऐसे क्या देख रही चारों तरफ पूरी दुनिया? अरे बता ना, क्या कह रहे मौलवी साहब? यही के किसी हवा वगैरह का चक्कर है। हवा? क्या मतलब? नई नई मौत हुई है ना घर में, तो किसी ऊपर के असेब का गुजर हुआ है। हाविया, तो कि जो ऊपरी हवा है, क्या अब हमारे घर में ही रहेगी क्या? है ये तो मुझे नहीं पता शाहिना, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे ना कुछ कीले दिए हैं। बोल रहे थे जिस कमरे में मौत हुई है ना, उसके चारों कोने में ठोक देना। ये ले भाई, आज 25 तारीख हो गई है, मजीद कितना इंतजार करना, एक दफा बता दो ना यार। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा लगता हूँ, कॉल आ रही है मेरी। ओके। हेलो, अब घर कब तक आएंगे? क्या बात है भाई, आज मेरी बेटी को बाबा का इंतजार क्यों हो रहा है? हम जिसे शादी करके लाए हैं उसका एहसास आपकी जिम्मेदारी है। क्यों, क्या हुआ? मैं कॉल करके पूछता हूँ। कोई फायदा नहीं, वो कभी भी आपको नहीं बताएगी। हुआ क्या है बाबा? मायरा एक बहुत अच्छी लड़की है, न साथ होने वाली ज्यादतियों के बारे में वो आपको कभी भी नहीं बताएगी। आपके लिए गुड न्यूज है। माशाल्लाह, जरूर अली रिहा हो गया होगा। नहीं अम्मी, रिहाई तो नहीं मिली,
मगर अम्मी बहुत जल्द मिल जाएगी, उसके दोस्त जमशेद ने यकीन दिलाया है। और सबसे अच्छी बात यह, अम्मी के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। क्या हुआ अम्मी, आप सुन रही हैं ना? हाँ मैं सुन रही हूँ। लगता है आपको खुशी नहीं हुई, इसीलिए आप चुप चुप सी और नाराज लग रही हैं। नहीं मुझे बहुत खुशी हुई, मैं नाराज तुमसे नहीं अपने घर वालों से हूँ। क्यों, क्या हुआ? मायरा बीबी ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। जफर तो उसके काबू में था, अब आयशा को भी उसने अपनी मुट्ठी में ले लिया। जो आयशा बड़ी अम्मी कहते हुए थकती नहीं थी, आज मुझे आंखें दिखाने लगी। अब तो खुश है ना आप उसे अपनी बहू बनाकर? मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आयशा रंग जरूर बदलेगी, ऐसे ही मुंह नहीं लगती थी मैं उसके। मुझे यकीन था कि वो एक ना एक दिन जरूर डसेगी। और मायरा तो सिर्फ एक मोहरा है, आयशा भी कम नहीं है। आपने अच्छा नहीं किया उसे अपनी बहू बनाकर। बोलो शामिर, क्या हुआ? तुमने बीबी से बदतमीजी की? नहीं तो, बदतमीजी थोड़ी की है, इनकी गलती बता रही थी इन्हें। बड़े को बताने का एक तरीका होता है, क्या तुम बड़े छोटे का लिहाज भूल गई हो? इन्होंने तुम्हें ये तो बता दिया कि मैंने इनसे बदतमीजी की है, अब ये भी पूछ लो कि क्यों की है। तुम्हें पता है इन्होंने मायरा के साथ कल की आई हुई लड़की के लिए तुमने सारे रिश्ते नाते भुला दिए। ये सब कुछ तुम मायरा के बहकावे में आके कर रही हो ना? नहीं बड़ी अम्मी, मायरा क्यों बहकाएगी मुझे? मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है वो धोखा था क्या? शामिर को सच्चाई बताए ना। जो भी है अम्मी बड़ी है, अगर वो किसी को कुछ कह रही है तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। माफी मांगूंगी इसे। क्यों, किस बात की माफी? मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, इनकी गलती बता रही थी इन्हें। आयशा तुम मम्मी से माफी मांग रही हो या नहीं? रहने तो शामिर, आयशा को माफी मांगने पे मजबूर मत करो। मुझे लगता है ये अपनी बड़ी अम्मी का प्यार भूल गई है और अब इसकी सारी हमदर्दियां अपनी सौतेली माँ के लिए है। बड़ी अम्मी, मेरी हमदर्दी आपके साथ उस वक्त होगी जब आप सामने वाले के साथ ज्यादती ना करें। मैंने बस आपको आपकी हकीकत बताने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है यहाँ पे बिना हकीकत जाने दूसरे को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। देखो तुमने किस तरह से मुझसे बात कर रही, ये सब उस मायरा का किया धरा है, उसने जादू किया इसके ऊपर, वरना मजाल है जो कभी इस तरह से मुझसे ये बात करे। देखा तुमने? तो रो रही हो? नहीं, मैं सम्मी की याद आ रही थी। क्यों छुपा रही? आशा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे साथ भाभी ने क्या ज्यादती की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम किस बात का डर? तुम क्यों खौफजदा रहती हो भाभी से? जब मैंने तुम्हें इजाजत दे दी थी तो वो कौन होती है मना करने वाली? मैं खुद जाके पूछता हूँ भाभी से, आखिर मसला क्या हुआ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, खामखा सिर्फ बात बढ़ेगी। और वैसे भी भाभी अब सिर्फ आपकी भाभी नहीं रही है, वो आयशा की सास भी है। कोई भी कदम उठाने से पहले आयशा का जरूर सोचेगा। अगर आपने भाभी से जाकर कोई भी बात की तो इसका असर शामिर और आयशा के रिश्ते पर पड़ सकता है।
ये बातें सब बाद में होती रहेंगी, मुझे बहुत भूख लगी, क्या पकाया जल्दी से बताएं। भिंडी। क्या फिर से वही सड़ी हुई भिंडी? मुझे नहीं खानी ये भिंडी, आपको कुछ और नहीं मिलता पकाने के लिए? जो पकाया ना चुपचाप खा ले, मैं नहीं खाने वाली ये। अभी आपका मूड अभी तक ऑफ है, प्लीज जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएं। भूल जाऊं? पहले मेरी बहू को मेरे मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया और अब कहती हो भूल जाऊं? नहीं भाभी, इसमें आयशा की कोई गलती नहीं है, उसने जज्बात में आके पता नहीं क्या क्या कह दिया, मैं उसके बदले आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आप उसे माफ कर दी, तो बड़ी है उसकी माँ की जगह है, प्लीज। अरे तुम्हें क्या पता है कि भरे पूरे घर में किस तरह से रहा जाता है, तुम्हें देख के तुम्हारी माँ की तरबियत का पता चलता है। अभी आप मेरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कह सकती। अरे जो माँ अपनी बेटी के बदले पैसे ले उसका किरदार क्या होगा? खबरदार भाभी, खबरदार जो मेरी माँ के खिलाफ आपने एक लफ्ज भी कहा तो, जब जो मुंह में आते मेरी माँ के खिलाफ बोलती चली जाती। आप बड़ी हैं, मैं आपका लिहाज कर रही हूं, उसके बावजूद अगर आपने एक लफ्ज भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ये किस लहजे में बात कर रही हो मेरी अम्मी से? शामी, मैं तो उसको मनाने के लिए आई थी, कहने आई थी कि जो भी हुआ उसे भूल जाए, लेकिन ये तो उल्टा मुझे बातें सुनाने लगी, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। नहीं शामिर, तुम नहीं जानते। मैं वाकई नहीं जानता कि तुम इस कदर घटिया हरकत करोगी। प्लीज चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं भी भूल जाऊं कि रिश्तों का लिहाज क्या होता है। ऐसा ही होना चाहिए इस लड़की के साथ, अच्छा किया। गलत का साथ दोगे ना तो इसी तरह डिस्टर्ब रहोगे। ठीक कह रही हो तुम, मैं जिस जिस को सही समझता था आज उसने मेरा भरम तोड़ा, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अम्मी ने जो भी किया, मायरा को अम्मी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और तुमने मायरा का फेवर करके अम्मी से बदतमीजी कर दी। देखो शामी, तुम बड़ी अम्मी को नहीं समझोगे, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी, बिना प्लानिंग के ना वो कोई काम नहीं करती। आयशा, मैं अम्मी के खिलाफ एक भी लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, पर अगर तुम्हें मायरा का इतना ही ख्याल है ना, उसको बोल देना कि उसे अम्मी की इज्जत करना होगी। अफसोस इस बात का नहीं हो रहा कि तुमने माफी मांगी, तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि बगैर हकीकत जाने तुमने सबको झूठा करार दिया। आज मुझे एहसास हुआ हमारे रास्ते ही नहीं हमारी सोच भी मुख्तलिफ, आज से मैं इस कमरे में नहीं अपने कमरे में सो।
एक दफा फिर से बोलो क्या कह रही है। ये कीले हैं और ये तावीज है, राबी पड़वा के लाइए किसी मौलवी से। मौलवी साहब कह रहे हैं कि हमारे घर में ना ऊपरी असर हो गया जावेद, इसलिए ये कीले जिस कमरे में मौत हुई हो ना उसके चारों कोनों में जाके ठोक दो, ऐसा मौलवी साहब ने कहा है। जाओ ये लो। अरे जाओ ना, जाओ। हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसमें दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात है भाई, तुम्हारी आंखों के सामने है ना मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है इस घर में। शाहिना तुम कब से इन सब चक्रों में पड़ गई हो? मैं बताती हूँ ना कि मैं कब से इन सारी बातों पे यकीन करना शुरू हो गई। ना मैं सो सकती हूँ इस घर में, ना मैं जाग सकती हूँ, ना मैं खा सकती हूँ, ना मैं सुकून से सांस ले सकती हूँ। अरे कुछ खाने जाती हूँ चीज खराब हो जाती है, दूध चढ़ गया। उस दिन तुम हलवा पूरी लेकर आए थे ना, वो मेरे हाथ से गिर गई। अरे उस कमरे से मुझे आवाजें आती है अजीब अजीब सी, और वो दुपट्टा लटक रहा था ना वहां से घुंघरू की आवाजें आ रही थी मुझे छन छन की। इतना सब कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। अच्छा ठीक है दो मिनट, लेकिन एक बात है, तुम्हारे कहने पर मैं जाकर ये चारों कीले कमरे में लगा दूंगा। कहते हैं कि ये सब करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जिन चढ़ जाए या फिर कुछ नजर आना शुरू हो जाए। और वैसे भी तुमने अम्मी को बहुत परेशान किया है, वो ही तुम्हारे सामने आ गई तो फिर क्या करोगे? जावेद कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो मुझसे। और ये पागलों वाली बातें मेरे साथ मत करो, होश में आओ, नमाज पढ़ो और खुद पे दम करो, सारा डरवर निकल जाएगा। और खुदा का वास्ता है इस हालत में अपना ख्याल रखो, अच्छा अच्छा सोचो, बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है। शाहिना बस कर दो, आ जाओ। आ रही हूं। अच्छा तुम मेरे घर की जिम्मेदारी संभालो। मेरा दिल मेरा दुश्मन। उठो, यहाँ क्यों सो रही हो? क्या मतलब है क्यों सो रही हूँ? मेरा कमरा है, प्लीज मुझे अभी सोने दे, मैं वैसे ही रात को लेट सोई थी। हमारा शामीर से झगड़ा हुआ है। जी आयशा, आयशा उठो, आयशा उठो। अब तुम्हारी शादी हो गई, भाभी तुम्हारी सास है, तुम्हें अपने रवैये में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। शादी के बाद हर लड़की को सब्र करना पड़ता है, भाभी तो फिर सास है तुम्हारी। प्लीज तुम शामीर से जाकर सॉरी कर दो। हाँ
हावी से भी सॉरी, बड़ी हूँ। शामिल को बहुत समझदार समझती, और रही बात बड़ी अम्मी, मैं उनसे बदतमीजी करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया कल आपके साथ वो अच्छा नहीं था। आपको पता जब मेरी अम्मी की न्याज थी ना, तो इमन ने सारा खाना उसी तरह फेंक दिया, और बड़ी अम्मी ने भी वही हरकत की आपके साथ, मुझसे बर्दाश्त किया। अम्मी तो मेरी आइडिया थी, हर गलत बात पे इमन को रोकती थी, उन्होंने खुद जो किया। छोड़ो आयशा अब इस बात को, तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात बन सकती थी। मैं फिर कहूंगी, अब तुम्हारी बड़ी अम्मी नहीं, तुम्हारी सास है। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। रोक दी, मुझे भी रोक दी, बाबा को तो रोक दिया आपने, इस तरह सब आपको गलत समझते रहेंगे, और बड़ी अम्मी सबको यही बताती रहेंगी कि हर गलती की जिम्मेदार आप हैं। अच्छा तो ये हकीकत है, जो अम्मी मुझसे छुपा रही थी, मैं भी कितना बेवकूफ था जो समझ ही नहीं पाया कि आयशा क्या कहना चाह रही है। सो के शामिर, तुम्हारे सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं और आयशा मिलके इस मामले को हल कर लेंगे। नहीं मायरा, ताल्लुक है, जब बड़ी अम्मी इसको इस मामले के बीच में लेकर आई तो इसे हकीकत पता होनी चाहिए। मैं अम्मी से बात करूंगा कि उन्हें मायरा से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और मैं शर्मिंदा कि मैंने आयशा से और आपसे बदतमीजी की। नहीं शामिर, तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी बेटा होता ना तो अपनी माँ के लिए यूं ही करता। ना कहूंगी कि अपनी अम्मी से कुछ मत कहना, मैं जानती हूँ ये मामला किस तरह सुलझा, देखा तुमने कितना बड़ा दिल है इनका, कितनी आसानी से सबको माफ कर देती है। एक बहुत अच्छी लड़की, बाबा वाकई बहुत लकी है कि उन्हें मायरा जैसी बीवी मिली। लकी तो मैं भी जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। हाँ ये तो है, तो तुम्हें यकीन हो गया ना मेरी बात पे। अच्छा चलो कमरे में आ जाओ। शाम में मेरी सॉरी, शराब को इस तरह कमरे से नहीं आना चाहिए। तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब ऐसा मत कर। आगे तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिला।
मुझे। तुम चलो मैं आती हूँ। हेलो जमशेद भाई, मैं अली की वाइफ बात कर रही हूँ। अरे भाभी जी, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। क्यों, सब खैरियत तो है ना? नहीं भाभी जी, खैरियत नहीं है। असल में दूसरी पार्टी ने अली के खिलाफ बहुत तगड़ा केस बनाया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जमशेद भाई, अब क्या होगा? आपको आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। क्यों? वो केस फाइल करना है ना, तो वकील को कुछ पेपर्स पर आपके दस्तखत चाहिए थे, इसलिए। ठीक है जमशेद भाई, मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपकी स्टेट एजेंसी आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको एजेंसी आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम कहीं बाहर मिल लेंगे जहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा तुम मेरे घर की जिम्मेदारी संभालो। ये क्या कह रहे हो जफर? आज तक इस घर का खर्चा मैं चलाती आई हूं। इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने और मुझे बताया तक नहीं। परवीन, ये फैसला जफर ने अकेले नहीं किया, बल्कि ये हम दोनों का फैसला है। तो क्या छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे मायरा के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? तुमने शायद गौर से सुना नहीं, जफर ने कहा है कि मायरा इसके घर की जिम्मेदारी उठाएगी। अपने घर की जिम्मेदारी अब हम खुद उठाएंगे। माना कि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खानदान को भी जफर पाले। माशाल्लाह हमारा बेटा शादीशुदा है, जॉब करता है, मैं भी कोई बेरोजगार नहीं हूं। शामिर जी। बाबा। बेटा तुम अपने माँ बाप की और अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठा लोगे? जी बाबा, बल्कि मुझे आपका ये फैसला बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। भाभी, मैं नहीं चाहता कि छोटी छोटी बातों से हमारा दिल खराब। तुम्हारे जो दिल में आए पकड़ो, जो दिल में आए खाओ, ये तुम्हारा अपना घर है। कह तो रहे थे कि डॉक्टर के पास जाएंगे, बस जरा बराबर भी इनको मेरी कोई फिक्र नहीं है। क्यों, क्या कहा? क्या कहेंगे, यही कह रहे हैं ना कि पैसे नहीं है, दो चार दिन रुक जाओ फिर चले जाएंगे। तौबा तौबा, बिल्कुल भी कदर नहीं है तुम्हारी। अरे औरत माँ बनने वाली हो, आदमी आगे पीछे फिरते हैं, सर पे बिठा के रखते हैं, तुम उन्हें वारिस दे रही हो। नस्ल आगे उनकी बढ़ेगी इस बच्चे से, उन्हें एहसास ही नहीं। तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है उनका कोई काम करने की, आगे पीछे फिरने की। एहसास दिलाओ उन्हें। क्या एहसास दिलाओ उन्हें, जब उनकी जेब में पैसे ही नहीं है तो कि मुझे क्या हाथ देंगे? घर के इतने खर्चे हैं, सौदा आ जाता है, और दो चार छोटी मोटी चीजें, सारे पैसे तो इसी में उड़ जाते हैं। क्या देंगे मुझे पैसे? बस कर दो शहीना, बहन से ले ले, लाखों में खेल रही है वहाँ, भला भाई की मदद नहीं कर सकती? हाँ वैसे ये बात तूने सही की, मायरा को जावेद को पैसे देने तो चाहिए, अब चाहे खुशी से दे या फिर बेदिली से दे। ऐसे क्यों कह रही हो तुम, मजबूरी बताओ उसे अपनी, दे देगी पैसे वो, जानती हूँ उसे यार, इतनी बुरी नहीं है, दे देगी।
शाहिना कभी किसी के सामने मजबूर नहीं होती, बल्कि दुनिया है ना शाहिना के आगे मजबूर है। और रही बात जावेद की, जावेद को तो मैंने अपनी मुट्ठी में ऐसा काबू किया हुआ है कि उनको मेरे अलावा कोई और नजर नहीं आता। और तुम देखना, मायरा खुद चल के यहाँ आएगी, मेरे हाथ पे पैसे रख के दे के जाएगी। ऐसा चक्कर चलाऊंगी, पैसे देने पे मजबूर हो जाएगी वो, तुम देखना। शेख भाई, आपने तो कहा था कि वकील को केस फाइल करने के लिए पेपर्स पर साइन चाहिए, मगर वकील तो नहीं है यहाँ। भाभी, वो वकील साहब को जरूरी केस के सिलसिले में जाना पड़ गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुद आपसे साइन ले लूं। शेख भाई, आप कुछ भी करके अली को बाहर निकलवा दें जेल से, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। भाभी प्लीज ऐसी बातें मत किया करें, ऐसा कहकर अपनी शर्मिंदा करती है। एक बात तो बताइए भाभी, आपको अली में ऐसा क्या पसंद आ गया था, जबकि अली हमारे ग्रुप में सबसे आवारा और फ्लर्टी टाइप लड़का है। लड़कियां पसाना तो उसके बाएं हाथ का काम है, ये आप कहां फंस गए? बताया था उसने मुझे कि किस तरह आपने भाग के उसके साथ शादी की है। अपने काम से काम रखिए जमशेद भाई, और जल्द से जल्द अली को छुड़वाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आज अली जेल में है तो उसकी वजह सिर्फ आप हैं। लाइए पेपर दीजिए जहां मुझे साइन करने हैं, ताकि मैं जा सकूं। क्या हुआ? आयशा बता रही थी सुबह से अपने कमरे में बंद हो। खैरियत तो है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सुबह से मैंने आपको कितने फोन किए, लेकिन मजाल है जो पलट के एक भी फोन किया हो आपने। कुछ गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, उनके साथ मसरूफ रहा हूँ, बहुत बिजी दिन गुजरा। क्यों फोन कर रही थी? मैं फोन इसलिए कर रही थी, ये जो सुबह दोनों भाइयों ने मिलकर ड्रामेबाजी की थी ना, ये क्या था? उस दो टके की लड़की को पैसे थमा दिए हाथ में और कहा कि अब वो घर चलाएगी। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, इसकी एक वजह है। तुम क्या समझती हो, तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? जफर ने मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या मतलब, क्या बात छुपाई है मैंने आपसे? परवीन को मायरा के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, और फिर न्यास की बेहरमती, मैं बात करूंगा उससे। नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप बात करें। मायरा भी ये कह रही थी कि आप उनसे कुछ ना कहिएगा, वो आशा की सास है। भाई साहब, मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला किया है, अगर आप आ जाएं तो। कैसा फैसला? मैं चाह रहा हूँ कि मैं और मायरा इस घर से शिफ्ट हो जाएं। क्या कह रहे हो जफर? देखो भाई साहब, मैं कोई नाराज या लड़ाई करके घर से लगी होना चाहता, लेकिन अब कल कला में कुछ हो जाए तो खामखा बुरी बात हो जाएगी। एक तरफ मुझे बाप का दर्जा देते हो, कोई अपने बाप को भी छोड़कर जाता है क्या? मैंने कहा ना, मैं समझाऊंगा उसे। तो फिर मैं भी तुमसे एक बात करना चाह रहा था, मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से अपना खर्चा हम खुद करेंगे। हम क्यों सफर पर बोझ डालें? लेकिन एक बात याद रख, अगर तुम्हारी वजह से हम भाइयों के बीच में कोई दूरी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
शामी जल्दी कर लो, आज तुम्हारी वजह से लेट नहीं होना चाहती मैं। तुम्हें देर लगती थी और मैं। अच्छा, इतनी देर से शीशे के सामने खड़े होकर कौन तैयार हो रहा था? आयशा, ये किस लिए? कल खरीदी थी मैंने, जब घर आया तो तुम लड़ पड़ी मुझसे। ये तो बहुत खूबसूरत है। चलो तुम मुझे अपने हाथ से पहना दो ना। वैसे ये है किस खुशी में? बहुत हर्ट करता हूँ ना तुम्हें, इसमें एडजस्ट कर लो। तो मतलब जब जब तुम मुझे हर्ट करोगे इतना महंगा तोहफा दिलाओगे? हर्ट तो तुमने मायरा को भी किया, अब उसे जाके सॉरी बोलकर उसको रिंग तो नहीं पहना सकता ना? सोचना कि मत, रिश्ते में सास लगती है वो तुम्हारी। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? हाँ हाँ चलो। पूरे दो दिन बाद आई हो तुम, ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? मैं भी बाहर सुकून से नहीं हो रही, तुम्हें छुड़वाने की कोशिशें कर रही हूँ मैं। इतनी मुश्किल से तो मिलने का मौका मिला। एक बात कहूँ तुमसे? तुम्हारा दोस्त मुझे ठीक आदमी नहीं लगता। क्यों? कुछ कहा उसने तुमसे? कुछ कहा नहीं है, मगर उसके देखने का अंदाज मुझे ठीक नहीं लगता। यार वो ऐसा ही है, तुम्हें लग रहा है ऐसा? वो इस वक्त तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम उसे सपोर्ट करो, तुम उसकी नजरों की पड़ी हुई है। क्या हो क्या ली तुम्हें, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? पागल हो गया हूँ मैं यहाँ पे, जब से तुमसे शादी की है ना पागल हो गया हूँ, एक एक भाई का मोहताज हो गया हूँ मैं। मोहताज तो मैं हो गई हूँ, घर में एक दाना नहीं है राशन का, और आज अगर तुम इस जेल में हो तो सिर्फ अपनी वजह से हो, ना तुम फ्रॉड करते ना ही पुलिस तुम्हें पकड़ती, मैं तो खामखा भी तुम्हारे साथ पिस रही हूँ। हेमंत बात सुनो मेरी, हेमंत